और जो युवा है अगले चुनावों में जो तो किस कदर जो तो इस सरकार का साथ देंगे, क्या सुधार होने पर सरकार का साथ, तो वक्त तो बताएगा। क्योंकि मेन चीज है कि इनका कुछ लोगों में समझ की कमी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेन जैसे चुनाव पास आएगा तो ये सारे युवा कहां उनका ध्यान होगा कि इनका है कि देखो 2019 लोकसभा चुनाव के टाइम पे रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी थी, इनने साफ बोला था कि हम 2.5 लाख पद रेलवे में निकालेंगे लोकसभा चुनाव के पहले, रैली के पहले इनने ये चीज बोली थी। आज कितना समय हो गया है ये, मतलब 2019 के पहले इनने ये भाषण में बोला था, आज 2021 है, अगला लोकसभा चुनाव 2023 के नजदीक है, तो आज वो एग्जाम पूरा नहीं हुआ, होते होते 23 नजदीक आएगा। जो उनने 2.5 लाख बोला था उसमें से इनने 125 समथिंग निकाली, 1,35,000 वैकेंसी निकाली, वो 2.5 का इनने लोबन दिया, उसमें से 1,35,000 भी नहीं दिया, जो उन्हें दे देना था 2 साल में, मतलब 19 के बाद 20 तक ज्वाइनिंग दे देनी थी, वो अभी 24 के समथिंग आएगी, तो मतलब बाकी पद क्या होगा उनको, समय वो भी आते ना उसमें। चलो हमने मान लिया कि अभी रिसेशन का दौर है, बचे पद नहीं दे सकते थे, कम से कम 1,35,000 जो आपने 19 के पहले घोषणा की थी उन्हीं को दे देते, उनका कम से कम, चलो नहीं देते एग्जाम तो करवा देते कि कम से कम इंसान को इतना भरोसा हो जाए उसका एग्जाम निकल गया, सरकार आज निकल जॉब, आपने एग्जाम भी नहीं दिया। अगले मार्च जो आने वाला 2022 का जो मार्च है, 3 साल कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म भरे, 3 साल का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज होती है। और एक लोअर मिडिल क्लास है जो, उसके साथ क्या दिक्कत होगी, लोगों के साथ तो और फैमिली प्रॉब्लम है, लोगों की स्थिति अभी 2 रोटी के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है, वो कोचिंग के लिए या किसी और चीज के लिए कैसे संघर्ष करेंगे, तो मतलब सरकार देना ही नहीं चाहती ये चीज तो साफ। और उनके बाद ये है कि वो एक्सक्यूज बस उनको गिनाना है कि हम लॉकडाउन के कारण नहीं ले पाए, इसके कारण नहीं ले पाए। अभी जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है वो दिसंबर 2020 के 28 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुआ, वो मार्च में जाके खत्म हुआ, वो भी पूरा नहीं, उसके बाद फिर वो जुलाई में कंप्लीट हुआ है, अब जाके उसका प्रीलिम्स का थोड़ी प्रोसीजर कंप्लीट हुई है अभी भी, लेकिन मेंस कब होगा कुछ डिसाइड नहीं। बस सारे एग्जाम, सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई व्यक्ति जैसे ये डिसाइड भी नहीं कर पा रहा है कि उसको अगर 2 एग्जाम देने हैं, उसको एनटीपीसी भी देना है, ग्रुप डी भी देना है, और उसने व्यापम का कांस्टेबल भी भरा हुआ है, तो कौन सा एग्जाम, किस एग्जाम को वो टारगेट करे कि कौन सा पहले होगा, उसका दिमाग यही तय नहीं कि कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, कुल मिलाकर के एक अनिश्चितकालीन समय चल रहा है, और आगे आदमी को बढ़ते जाना है और ओवर एज हो जाना है, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होना है। सिलेबस अलग है, एनटीपीसी का अलग है, ग्रुप डी का अलग है, कांस्टेबल का अलग है, वो एक ही समय पे, मान लो वो एग्जाम 10-20 दिन के अंतराल में हो गए तो किस एग्जाम को टारगेट करे, उसके यहाँ से वो भी गया। और सेम चीज इनने ये की है कि अब ये सीटी लेके आ रहे हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इनने बोल दिया कि साल में 2 बार सीटी होगा, अगर वो उसने पहला सीटी दिया और उसमें वो फेल हो गया तो वो उस 6 महीने में कोई भी पेपर नहीं दे पाएगा। अगर मान लो एक व्यक्ति 6 महीने में 6 पेपर देता, उसका एक गलत, एक पेपर बेकार गया, लेकिन हो सकता है वो दूसरे में 80 पासिंग मार्क था, वो 79 में चूक गया, तो मतलब वो 1 महीने की मेहनत में हो सकता है दूसरा निकाल सकता था, तो ये सीटी का क्या मैटर है। मतलब सीटी में सरकार बस ये चाहती है कि अगर रेलवे एनटीपीसी में 1.5 करोड़ फॉर्म भरे, एसएससी में 50 लाख फॉर्म भरे, ऐसे कुल मिला के पूरे राज्य सरकार के और सारे फॉर्म को इकट्ठा कर लो तो कम से कम 7 से 8 करोड़ जाते हैं फॉर्म, तो केंद्र सरकार बस ये चाहती है कि 7 से 8 करोड़ लोगों से कम से कम 1,000 रुपए ले लेंगे तो कितना पैसा हो गया, अब पास हो फेल हो उनको कोई मुद्दा नहीं, बस ये है कि उनके पास एक बैलेंस अमाउंट इकट्ठा आ जाए, एक रेवेन्यू सिस्टम डेवलप कर रही यूथ को इस्तेमाल करके। जी, बेरोजगारी भत्ते की भी बात की गई थी पिछली सरकार के द्वारा भी, और जिस तरीके से जब पेपर नहीं होता है कहीं ना कहीं ये सरकार की कमियों की वजह से, व्यवस्था में के अभाव की वजह से ऐसा होता है, तो क्या सरकार को ऐसे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए जो फॉर्म पिछले 3 साल से भर चुके हैं और आज तक पेपर नहीं हुआ है। सर ये तो एक्चुअली हर किसी को सर जरूरत नहीं रहती है, तो जो फाइनेंशियली स्पेशली जिसको जरूरत है पर्टिकुलरली, मतलब वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिनने बहुत लंबा टाइम से फॉर्म भरे हैं, वो चुका सिर्फ उन्हीं लोग को प्रोवाइड करना चाहिए, हर किसी को देंगे तो ये मिसयूज भी हो सकता है इसका। इस चर्चा का आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, सरकार ने 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की बात की, क्या हुआ उसे? कुछ नहीं हुआ, बट्टे खाते में गया, पूरी तरीके से फेल। मैनिफेस्टो उनका शुरू से ही खराब रहा है बीजेपी सरकार का, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उनका मैनिफेस्टो ही खराब है। आप और भी अग्रणी देश की बात कर लो, विकसित देशों की बात कर लो, न्यूजीलैंड जो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज है या पीस कंट्रीज में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो आगे हैं, उन सबकी सरकार का यही बात है कि वो एक जो बयान, एक मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, वो मैनिफेस्टो पे जो सरकार खड़ी नहीं उतरती उसकी सरकार की कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाता है, उसके बाद आगे दूसरी सरकार या नए लोगों को आगे मौका
मौका भी दिया जाता और पुराने घिसे पिटे नेताओं को शकल देखने से बोर भी हो जाता आदमी, तो ये चीज भी खत्म हो जाएगी। नए नए युवाओं को आने का मौका मिलेगा, आप नए मैनिफेस्टो बनाएंगे, नए तरीके से देश के नए और ले जाएंगे, नए संरचना में विकास करेंगे, सीधी बात मुख्यतः है। अभी हमने केंद्र सरकार की भी बात की और राज्य सरकार की भी बात हम करते हैं। पिछले दिनों व्यापम नाम का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, शायद पूरे भारत के इतिहास में जो 70-75 साल का इतिहास है वो सबसे एक बहुत दुखद हादसा कहा जा सकता है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो है तो घोटाला कहा जा सकता है, जिसमें कई लोगों की जानें भी गईं। मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है, शिवराज सिंह चौहान अब यहाँ के प्रदेशवासियों को भांजे और भांजिया कहते हैं, क्या उन्हें अपने भांजे और भांजियों की चिंता सताती है? क्या लगता है जो स्थितियां मध्य प्रदेश की है, कोई भर्ती होती है 5 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं, और PSC जैसा एक हाई प्रोफाइल एग्जाम बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करते हो, हाई प्रोफाइल लोगों के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, फिर उसके पेपर में सवाल गलत हो जाते, कितनी जिम्मेदारी निभा रही है शिवराज मामा की सरकार अपने भांजे और भांजियों के? मामा देखा जाए तो अपने भांजे भांजियों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सत्ता के नशे में मदहोश हो गए हैं और सिर्फ उनको अपनी सत्ता और सीट प्यारी लग रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगली बार वो आने नहीं वाले। और आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की, मध्य प्रदेश सिविल सर्विस एग्जाम की, उसमें एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ये पुराना दौर पिछले 10-15 सालों से चला आ रहा है जिसमें 4-5-6 क्वेश्चन इतने संवेदनशील एग्जाम है जहां से आप देश के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में, मध्य प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में डिसाइड कर रहे हैं किसी भी स्टेट या कंट्री, बिल्कुल उसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो ये उनकी कहीं ना कहीं नीति में गड़बड़ी है और लापरवाही है भांजों के प्रति या लोगों के प्रति कुल मिला के बात जी पर बैठता है तो हर बार नए आइडियाज नहीं आ पाते। शिवराज सरकार पिछले 15 सालों से प्रदेश की राजनीति में सत्ता के शिखर पर है और एक बार चौथी बार फिर सामने है हमारे, तो क्या एक ही व्यक्ति लगातार शासन करने की वजह से जो उनकी योजनाएं थी, जो उनका फ्यूचर प्लान था, वो पूरा खत्म हो चुका है और अब वो एक तरीके से एक ही जगह पर ठहरे हुए पानी की तरीके से हो गए? क्या लगता है प्लान नहीं उनके पास कोई? अब ये भी हो सकता है मतलब कि उनने 15 साल राजनीति की शायद समथिंग अप्रोक्स कंप्लीट कर ली और उनको अब ये पता ही हो कि मतलब अब मुझे हारना है, तो उनका व्यवस्था में कुछ ध्यान ही नहीं है, अगर करप्शन हो रहा है तो वो होने दे रहे हैं। और मेन मुझे मध्य प्रदेश सरकार की ये चीज बुरी लगती है कि मतलब इनने बहुत सारी फ्री योजनाएं निकाली, मतलब आपने क्यों इतना फ्री करके रखा है, इंसान उससे आगे बढ़ने के लिए सोचता ही नहीं है। आपने मतलब गाड़ी लक्ष्मी योजना, मतलब कि उनकी शादी के लिए आपने, मतलब आपने जो गरीब वर्ग को है जो फ्री चीज की है, तो वो मतलब आप उनके एजुकेशन में खर्च किए, आपने एजुकेशन फ्री नहीं किया, आपने हेल्थ फ्री नहीं किया, आपने क्या फ्री किया जिससे वो व्यक्ति ग्रोथ ना करे, है ना? अगर वो व्यक्ति पढ़ नहीं पाए, अगर मतलब क्या है, आप सिर्फ उनको चुनाव के लिए वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब आप उनका मानसिक विकास नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ उसका वोट बैंक का बस यूज करना, इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक सवाल आखिरी में ये पूछना चाहेंगे कि हर क्षेत्र में एक चपरासी भी बनता है, उसके लिए भी एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है और एक जज बनता है उसके लिए भी एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, लेकिन जो इस देश को पूरी तरीके से चलाने का जिनके कंधे पर दारोमदार होता है उनके लिए कोई भी एग्जाम नहीं है। एक अनपढ़ भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक अनपढ़ भी किसी गाँव का प्रधान बन सकता है, लेकिन उसी गाँव का एक छोटी सी स्कूल का एक सरपंच जो है तो उसी गाँव की छोटी सी स्कूल का एक जो प्यून होता है उसके लिए उसका एग्जाम कंडक्ट करना पड़ता है। तो क्या लगता है कि राजनीति में भी किसी एक सामान जैसे कॉमन टेस्ट की बात हो रही है, तो राजनीति के लिए भी क्या कोई कॉमन टेस्ट ऑर्गेनाइज होना चाहिए? क्या लगता है कि युवा के तौर पर क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि जो बैक बेंचर होते हैं वो नेता बन जाते हैं, तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ बैक बेंचर को नहीं, सर हमारे कंट्री में फर्स्ट बेंचर को भी नेता बनना चाहिए। और सर मिनिमम क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर जो आज हम देखते हैं कुछ नेता होते हैं जो इस फील्ड में स्टूडेंट जो उनको बना दिया जाता है नेता एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए उनको बना दी जाती है, पर वो सर उसको निभा नहीं पाते क्योंकि वो उस फील्ड में निपुण नहीं होते और लोग फील नहीं कर पाते कि क्या स्टूडेंट सोचता है। सर बिल्कुल एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इससे जो डिसीजन मेकिंग होगी, जो प्लानिंग होगी, जो इम्प्लीमेंटेशन होगा और जो प्लानिंग होगी वो दोनों सुधरेगी। हमारे सामने बहुत अच्छे एग्जांपल हैं जो अपने दिल्ली के CM है श्री अरविंद केजरीवाल, सर रेवेन्यू ऑफिसर थे, तो उनका सर आप यदि दिल्ली में जाके स्कूल्स को देखेंगे ग्राउंड लेवल पे जो उनने जो अपने स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उन्होंने सर उनको इवन बेटर कर दिया है उनसे प्राइवेट स्कूल से, सर एक बहुत ही बड़े एग्जांपल है वो। यदि ऐसे ही एजुकेटेड लीडर हमें मिलेंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही अच्छा होगा, हमारी कंट्री का और हमारी स्टेट का। यूथ इन पॉलिटिक्स की जरूरत कितनी है जो तो देश में राजनीति में युवाओं की भूमिका होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? सर होनी चाहिए 100% होनी चाहिए, और जो
जो भी इंटरेस्टेड है, मैं ये नहीं कहता हर किसी को, जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन करना चाहते हैं पॉलिटिक्स तो ज्वाइन करना चाहिए उनको, बिकॉज दे आर बेटर, जो अभी है उनसे अच्छे ही होंगे जो यूथ आएंगे, क्योंकि युवाओं की समस्याओं को उनके समाधान को कर सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा थे जिन्होंने अपने मुद्दों को लेकर के देश की राजनैतिक परिस्थितियों को लेकर के चर्चा की, और साथ ही साथ हमारी इस चर्चा का जो मेन फोकस था किसी एग्जाम के कंडक्ट होने से लेकर के उसकी ज्वाइनिंग तक का इस विषय को लेकर के रहा। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।